बिना सोचे समझे की हुई चीज अगर ऑब्सेशन बन जाए तो इसके बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारी मूवी स्विम फैन जो 2002 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, इसी थीम पर बेस्ड है। टाउन में नई आई हुई लड़की एक लड़के से ऑब्सेस्ड है। अब यह ऑब्सेशन किस हद तक जाएगा? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बेन, ये अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ मेकआउट कर रहा था। इसके बाद उसे स्विम करता हुआ हम देख सकते हैं। वो अपनी मदर के साथ अकेला ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपने स्कूल में स्विमिंग के टीचर के पास हुए है। उसके टीचर ने उसे बताया तुम्हारा गेम एसेस करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। एक्चुअल में बेन को स्टैनफोर्ड में एडमिशन चाहिए। अगर उसने सही से स्विम कर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा। ये लोग लेट आने वाले थे पर अब जल्दी आने वाले हैं। उसके कोच उसे समझाते हैं तुम्हारे पास एक वीक है, इस वीक में तुम्हें सिर्फ स्विम करना है। हमेशा स्विमिंग के बारे में ही सोचो जिससे तुम जीत सकते हो। बेन के लिए एक बहुत बड़ा चांस था। इसके बाद बेन अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हुआ हम देख सकते हैं। बेन का एक फ्रेंड है जिसका नाम है जॉश। जॉश और बेन इन दोनों में कॉम्पिटिशन है। स्कूल के हॉलवे में एक लड़के से टकराए जिसका नाम है क्रिस्टोफर। इन सबको क्रिस्टोफर बहुत ही अजीब लगता है। जॉश उसका मजाक ले रहा था पर बेन उसे रोक लेता है। बेन अब स्टैनफोर्ड में जाएगा और उसकी गर्लफ्रेंड कहीं और यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। इन दोनों में 3000 माइल्स का डिस्टेंस है। एमी को इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर जरा बुरा लग रहा था। वो बेन से कहती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास ही मैं अप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि दोनों एक ही सिटी में रहेंगे। बेन को भी ये बात अच्छी लगी। उसने आज एमी के लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट लाया था, ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मेडिसन, स्कूल के लॉकर के पास देख सकते हैं। ये अपना लॉकर खोल नहीं पा रही थी। ये बेन ने देखा, उसकी हेल्प करने के लिए वो पहुंच गया। बेन ने नोटिस किया था मेडिसन स्कूल में नहीं है। मेडिसन को एम्बेरस लगा, ये स्कूल में वो नहीं लगती है। बेन मेडिसन से उसके हेयर क्लिप मांगता है, इसी से उसने उसका लॉकर खोल दिया। बेन के पास एक जैकेट है जिस पर उसके इनिशियल्स नहीं थे। मेडिसन इसके बारे में उससे पूछती है तो बेन कहता है कि वो एक स्विमिंग टीम में है। मेडिसन ने पूछा या तुम अच्छे स्विम करते हो? बेन कहता है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन एक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करता है। वहाँ के सारे पेशेंट्स के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है। वहाँ के एक ओल्ड पेशेंट उसे मजाक में कहते हैं मेरे लिए गर्लफ्रेंड ला दो। बेन कहता है आपके एज ग्रुप में गर्लफ्रेंड लाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्विमिंग पूल के पास बेन और जॉश बात कर रहे थे। जॉश कहता है हमारे स्कूल में एक नई लड़की आई है, ये मेडिसन के बारे में बात कर रहा था, उसे वो बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि वो क्रिस्टोफर की कजन है। क्रिस्टोफर वही लड़का है जिसे जॉश बुली करता है। उसी वजह से उसे लगता है मेडिसन के साथ उसका कोई भी चांस नहीं है। घर जाते वक्त गाड़ी चलाते हुए बेन जरा डिस्ट्रैक्टेड था। अचानक से उसके सामने मेडिसन आ गए। वो जल्दी से ब्रेक मारकर उसे बचा लेता है। मेडिसन के बुक्स वगैरह सारे नीचे गिर गए थे, ये सब उठाने में हेल्प करता है। बेन को बहुत बुरा लग रहा था। वो मेडिसन को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जाते वक्त मेडिसन बेन से कहती है तुम बहुत ही काम के आदमी हो। बेन जब घर पर आया तो नोटिस करता है मेडिसन अपनी नोटबुक उसकी गाड़ी में भूल चुकी थी। बेन ने अपने आप को रजिस्ट किया पर फिर भी ये बुक को देख ही लेता है। इसमें मेडिसन की म्यूजिक नोट्स थे। मेडिसन चेलो बजाती है तो इसमें उसके धुन थे। बेन ने नोटिस किया यहाँ पर BC ये इनिशियल बने हुए है। बेन का पूरा नाम बेन क्रोनिन है तो ये उसके इनिशियल्स थे। अगले दिन बेन ने मेडिसन को कॉल किया तो मेडिसन कहती है नोटबुक लेकर मेरे घर आ जाओ। मेडिसन के घर आने पर क्रिस्टोफर ने दरवाजा खोला। बेन उसे कहता है कि मुझे मेडिसन की नोटबुक वापस करनी है। क्रिस्टोफर ने कहा कि तुम मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। ये सब मेडिसन ऊपर से देख रही थी। वो क्रिस्टोफर पर चिल्लाती है और नीचे आ जाती है। वो हमेशा क्रिस्टोफर से बहुत ही इरिटेट होती है। उसने बेन से इसके लिए सॉरी कहा। वो कहती है कि आज मैंने लंच नहीं किया, शायद इसी वजह से मैं गुस्सा हूँ। बेन और मेडिसन ये दोनों फिर एक कैफे में आए। मेडिसन बेन से पूछती है क्या तुम हमेशा पिन से लॉकर खोलते हो? बेन कहता है कि ऐसा नहीं है, कुछ सालों पहले वो ट्रबल में आ गया था। वो ड्रग्स करता था, बहुत सारी इल्लीगल चीजें उसने की। ड्रग्स के लिए उसे पैसे भी चुराने पड़े थे। बाद में इससे पुलिस को पता चला और उसे जेल में डाल दिया गया। बेन कहता है ये सब मेरी लाइफ में होना ये अच्छे के लिए हुआ। उसके जेल में स्विमिंग पूल था जहाँ की क्लीनिंग का काम बेन के पास था। फिर क्या था, वो स्विमिंग करने लग गया और इसी वजह से आज वो एक टॉप प्लेयर है।
बेन जब स्विमिंग करता था तो सारी प्रॉब्लम्स उसकी मिट जाती थी। मेडिसन कहती कि मैं समझ सकती हूँ, जब मैं चेलो बजाती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है। वो वर्ल्ड की सब चीज़ों से एस्केप चाहती है। बेन पूछता है कि तुम अब यहाँ हो या इससे भी एस्केप चाहते हो। मेडिसन ने कहा कि अभी नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उसे कहीं भी नहीं जाना। वो उसे फ्लर्ट कर रही थी तो बेन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, मेडिसन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता। मेडिसन कहती है तुम मुझे बहुत पसंद आए थे, पर क्या करें तुम सिंगल नहीं हो। वैसे भी मेरा न्यूयॉर्क में एक बॉयफ्रेंड है, हम एक दूसरे से दूर हैं तो हमें डेटिंग करना अलाउड है। बेन कहता है मेरा फ्रेंड जॉर्ज तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है। मेडिसन ने कहा पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। बेन कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेडिसन कहती है कि मैं घर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। बेन को स्विमिंग करनी थी तो यही देखने के लिए मेडिसन उसके साथ आई। उसे स्विम करता हुआ देखकर वो भी स्विमिंग पूल में आ जाती है। वो कहती है मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, प्लीज़ मुझे सिखाओ। मेडिसन उसके साथ न्यूड थी तो उसे देखकर बेन एक्साइटेड हो गया था। मेडिसन उसे किस कर लेती है। ये दोनों फिर यही इंटीमेट होने लग जाते हैं। मेडिसन बेन से कहती है कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बेन को बहुत अजीब लगा तो कहती है सिर्फ तुम्हें कहना है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बेन भी ये कह देता है। बेन ने मेडिसन को घर पर छोड़ दिया। मेडिसन कहती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वो एक जोक नहीं बनना चाहती है। उसने पूछा क्या हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। बेन हाँ कहता है। सुबह बेन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। वो उससे पूछती है कल तुम उससे मिलने आने वाले थे, आए क्यों नहीं। बेन कहता है कि कल मुझे होमवर्क था तो उसके फ्रेंड के साथ ही था। जिस फ्रेंड का उसने नाम बताया उसी की मदर इंजर्ड थी तो इसके बारे में एमी उससे पूछती है। बेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था पर फिर भी एमी को ज़्यादा कुछ शक नहीं गया। एमी ने बेन को उसका लॉकर चेक करने के लिए कहा। उसके लॉकर के ऊपर एक छोटा सा फूल था। एमी का लेटर उसे इसमें मिला जिसमें लिखा है तुम मेरे लाइफ में हो तो मुझे बहुत ही प्राउड महसूस होता है। लेटर और फूल लेकर बेन एमी के पास गया पर ये फूल उसे एमी ने नहीं दिए थे। बेन इससे सरप्राइज था। आज स्विमिंग करते हुए भी बेन का फोकस इधर उधर था। कल जो हुआ इसके लिए उसे गिल्टी लगता है तो इसी बारे में वो सोच रहा था। रात में इन सब फ्रेंड्स की पार्टी है। इस पार्टी में जॉश बेन से कहता है आज मैं तुम्हारे आगे था। जॉश के फ्रेंड्स ने कहा कि आज बेन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं था वरना हमेशा तुम्हें हरा देता है। बेन यहाँ से निकल कर जब एमी से मिला तो एमी कहती कि मेरे फ्रेंड से मिलो मेडिसन। ये दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे वो फर्स्ट टाइम मिले हो। बेन को ज़रा अनकम्फर्टेबल लगा तो वॉशरूम चला जाता है। बेन की गाड़ी रास्ते में पार्क की हुई थी तो एमी जाकर इस गाड़ी को सही से पार्क करने वाली थी। बेन के पीछे पीछे मेडिसन आई। मेडिसन कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। बेन ने कहा तुमसे बात करना मेरे लिए ज़रा अनकम्फर्टेबल है। मेडिसन कहती है कहीं और जाकर बात करते हैं। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है तो अस्कर कहती है कि मैं समझ गई, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा मेरे इनरवेयर तुम्हारी गाड़ी में है, प्लीज़ मुझे ला कर दो। बेन रियलाइज़ करता है गाड़ी देखने के लिए एमी गई हुई है। जल्दी से वहाँ से भागा और एमी गाड़ी खोल सके इससे पहले उसने उससे चाबी ले ली। बेन जब ईमेल देख रहा था तो मेडिसन के उसे मेल आए थे, वो रिप्लाई नहीं करता तो मेडिसन उसे कंटिन्यूसली ईमेल करती है। बेन कहता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ बाद में हम बात करेंगे। स्कूल में भी बेन मेडिसन को इग्नोर कर रहा था, ये बात मेडिसन ने नोटिस की। वो सही से स्विमिंग पर फोकस नहीं कर रहा तो उसके कोच उससे बात करते हैं। कहते हैं एक वीक में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा, इस तरीके से तुम परफॉर्म नहीं कर सकते, तुम में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड में जो भी चल रहा है इसे सही से सॉर्ट आउट करो। बेन जब घर पर पहुंचा बेन की मदर के लिए फूल लेकर मेडिसन वहाँ आई हुई थी। बेन ये देखकर बहुत ही गुस्सा था, उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी। मेडिसन कहती है तुमने कहा था कि हम फ्रेंड्स रह सकते हैं इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आई थी, शायद मैं तुम्हें गलत समझी थी। उस पर गुस्सा हो गई। नेक्स्ट डे बेन जब लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था तो उसे मेडिसन के बहुत सारे ईमेल्स आए। इसमें मेडिसन ने उसके न्यूड्स भेजे थे। यही बेन से बात करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड एमी आ जाती है। जल्दी से बेन इसे बंद कर देता है। एमी आज उससे मिलना चाहती थी, बेन ने उसे मना कर दिया। वो गिल्टी महसूस करता है इसीलिए उसे इग्नोर कर रहा था। एमी डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चली गई। स्विमिंग करते वक्त बेन ने देखा मेडिसन और जॉश अब एक साथ हैं। बेन एमी को इग्नोर कर रहा था तो उसे मिलने के लिए आई। कहती है मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, अगर इससे तुम्हें टेंशन आता है तो ये भी फाइन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसके साथ ही रहना चाहता है,
आजकल सिर्फ जरा टेंशन में था। नेक्स्ट दिन मैं लॉकर रूम में मेडिसन बेन से मिलने के लिए आई। वो उससे कहती है, मैंने ऐसा क्या गलत किया, प्लीज मुझे बता दो। जॉश मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, वो सिर्फ उसे चाहती है। बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेडिसन कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो। बेन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, या तुम्हें समझ में नहीं आता। मेडिसन कहती है, पर तुमने मुझे आई लव यू कहा था। बेन और भी गुस्सा हो गया, कहता है, तुमने मुझसे कहा था आई लव यू कहने के लिए, इसका कोई भी मीनिंग नहीं था। मेडिसन को यहाँ अपना कंट्रोल लूज करते हुए हम देख सकते हैं। बेन जब अपने काम पर था तो सबको मेडिसिन दे रहा था। एक पेशेंट को इसका रिएक्शन आ गया। हॉस्पिटल स्टाफ को पता चला बेन ने सबको गलत गोलियां दी। बेन ने रियलाइज किया अपना कार्ड छोड़कर वो थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था। उसे लगता है मेडिसन ने उसका कार्ड चेंज कर दिया। इस पर बेन बहुत गुस्सा हो गया था। उसके पास आकर उसका गला दबाकर उसे धमकी देता है। कहता है, मेरे आसपास भी मत दिखना, हॉल में अगर मैं दिखूं तो अलग रास्ते से चली जाना, तुमने आज जो किया इससे लोग मर सकते थे। बेन फिर एमी से मिलने के लिए गया। जो भी हुआ ये सब उसे बता देने वाला था। एमी को आज लेट रात तक काम करना पड़ेगा, तो कहती है कल हम स्कूल में बात करते हैं। अगले दिन जब बेन स्कूल में पहुंचा तो सबको पता चल चुका था कि मेडिसन और उसमें अफेयर है। वो एमी के पास आया तो एमी उसे स्लैप कर देती है। वो उसे सॉरी कहता है। एमी ने पूछा, तुमने किया क्यों? बेन के पास कोई भी आंसर नहीं था। बेन की अब स्विमिंग की कॉम्पिटिशन होने वाली थी, इसलिए उनकी यूरिन वगैरह चेक की गई। कॉम्पिटिशन का दिन आया। बेन को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ मेडिसन थी। अचानक से बेन के कोच को कुछ पता चला। बेन से आकर कहते हैं, तुम डिस्क्वालिफाइड हो, तुम्हारी यूरिन से हमें पता चला तुम स्टेरॉइड्स लेते थे जो यहाँ पर अलाउड नहीं है। बेन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। उसने मेडिसन और जॉश को एक साथ देखा था, तो उसे लगा इन दोनों ने मिलकर उसे फंसाया है। वो जॉश को कन्फ्रंट करता है, पर जॉश उसे उठाकर पानी में डाल देता है। बेन जब घर पर आया तो उसकी मदर उसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। लास्ट टाइम भी वो ड्रग्स की वजह से जेल में गया था, तो मदर को लगा इस बार भी शायद वही हो रहा है। जेम्स कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बार ऑलरेडी ये सब हो चुका है, तो मदर उस पर बिलीव नहीं करती। रात में बेन फिर से एमी के पास आया। वो एमी से कहता है ये सब मेडिसन ने किया है। एमी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मेडिसन और जॉर्ज ये दोनों मेकआउट कर रहे थे। मेडिसन यहाँ बेन का नाम लेती है, जिसे जॉर्ज बहुत ही चिढ़ गया। जॉर्ज कहता है कि जो बेन ने कहा ये सब कुछ सच था, वो कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं लेगा, तुमने उसे फंसाया है। ये सब जाकर वो जॉश को बताने वाला था। बेन को स्विमिंग टीम से निकाल दिया गया है। लास्ट टाइम वो पूल में स्विम करता है, जहां पर डायरेक्टली उसे जॉश की बॉडी ही मिलती है। मेडिसन ने उसे मार डाला था। बेन ने यह सब रिपोर्ट किया और पुलिस का सारा शक ये बेन पर ही था। बेन को मेडिसन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए था। यही ढूंढने के लिए उसके रूम में वो आया। मेडिसन का उसे एक बॉक्स मिला। इसमें बेन जिस भी गेम में जीता है उस सब के न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। उसके पास बेन और एमी की फोटो भी थी, पर एमी की फोटो के ऊपर मेडिसन ने अपनी फोटो लगा दी थी। इस बॉक्स में बेन को मेडिसन के एक्स बॉयफ्रेंड का फोटो भी मिला। बेन को मेडिसन के रूप में क्रिस्टोफर देख लेता है। वो बेन से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेडिसन को पता चला तो तुम्हें वो मार देगी। बाहर आने पर क्रिस्टोफर बेन से कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्रिस्टोफर फिर मेडिसन के एक्स बॉयफ्रेंड के पास बेन को लेकर आया। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोमा में था, शायद ये उसका हाल भी मेडिसन ने किया हो। बेन को पता चला कि वो भी एथलीट है, शायद इसी वजह से मेडिसन को बेन पसंद आया था। बेन की गाड़ी मेडिसन के घर के बाहर थी। उसने गाड़ी ली और एमी से टकरा दी। एमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बेन की मदर डॉक्टर ही है, तो बेन को कॉल कर देती है। वो कहती है पुलिस को लगता है तुमने एमी को मारने की कोशिश की, तुम हॉस्पिटल में वापस मत आना। बेन कहता है कि एमी अब तक सेफ नहीं है। मेडिसन फिर से उसे मारने की कोशिश करेगी, पर बेन इस हॉस्पिटल में आ नहीं सकता। अब हम हॉस्पिटल में मेडिसन को देखते हैं। वो डॉक्टर के कपड़े पहनकर एमी के रूम तक जा रही थी। मेडिसन एमी को मार ही देती तभी माइक पर अनाउंसमेंट हुए। इस पर मेडिसन के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लिया जा रहा था। इस अनाउंसमेंट से वो पार्किंग में पहुंच जाती है। मेडिसन को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ है। उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े पहने हुए उसका ब्रदर क्रिस्टोफर था। बेन ने जल्दी से पकड़कर उसे चाकू लगाया। मेडिसन कहती है तुम्हें गट्स नहीं है। बेन कहता है तुम्हारी वजह से सबको लगता है मैंने जॉश को मारा। मेडिसन कहती कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया।
तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते। मेडिसन को बेन बहुत स्टूपिड लगता था, पर बेन ने ये सब बात रिकॉर्ड कर ली। इस टेप में मेडिसन का पूरा कन्फेशन है। इसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं और सबको सॉर्ट आउट हो जाता है। मेडिसन को जब पुलिस लेकर जा रहे थे तो मेडिसन ने उनकी गन ली और उन्हें मार डाला। बेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो एमी के पास आया, उसे कहता है कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, मैं लाइफ में कुछ भी करूं पर फिर भी हमेशा तुम्हें ही चाहता रहूंगा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो रो रहा था तो एमी ने उसे माफ कर दिया। बेन फिर घर आता है। घर आने के बाद उसे नीचे से कुछ आवाज आई। उसने देखा तो उसकी मदर बेहोश पड़ी थी। मेडिसन ने पीछे से उस पर वार किया और उसे भी बेहोश कर दिया। बेन को जब होश आया तो अपनी मदर के लिए हेल्प मंगवाता है। वो एमी को देखने के लिए गया तो गायब थी। उसे मेडिसन का कॉल आया। मेडिसन उसे स्विमिंग पूल बुलाती है। बेन वहां पहुंचा तो मेडिसन ने एमी को एक व्हीलचेयर से बांध दिया था। वो कहती है, मेरी तरह तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, कहकर उसने एमी को पानी में पुश कर दिया। बेन जंप मारता है पर एमी के हाथ पर हथकड़ियां बंधी हुई थी। उसे अपने पैंट्स में मेडिसन की हेयर क्लिप मिली, इसी से उसने एमी को छुड़ा लिया। वो पानी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था पर मेडिसन उसे आने नहीं देती। इस कोशिश में वो भी पानी में गिर गई। उसने बेन के लेग्स पकड़ कर रखे थे, उसके साथ मर जाना चाहती थी। मेडिसन उसे डुबाने की बहुत कोशिश करती है पर बेन ऊपर आ गया, उसने एमी को बचा लिया। जैसे कि हमें पता है मेडिसन को स्विम करना नहीं आता तो पानी में डूब कर ही उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कुछ टाइम गुजर चुका है। बेन अब स्विमिंग टीम में नहीं रहा पर वो एमी के साथ है तो खुश है। इसी मोमेंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। बेन की गलती उसे बहुत भारी पड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आप का ख्याल रखिए।